राइट नाउ मैं खड़ा हुआ हूँ फवारा चौक में, ये एंट्री पॉइंट है अबोटाबाद का। बहुत कम हो गया खर्चा हमारा बराबर नहीं है, किराया सर पे पड़ गया, दुकानें बंद कर दी है साथ में। अभी 1500-2000 का करता था, अभी इस टाइम तो पहले जो है ना 6000-7000 रुपये का हो जाता था। ये था कि पर डे के हिसाब से 2500-3000 ये कि पर डे का बच जाता था, लेकिन अब मुश्किल से गैस के पैसे पूरे होते हैं, जितने हम फ्यूल डालते हैं फ्यूल कंजप्शन मुश्किल से पूरे होते हैं। आटा तकरीबन पहले 920 तक सेल हो रहा था, अभी 1130। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं बाबर हयात व्लॉग्स। मैंने आज से एक हफ्ता पहले एबोटाबाद के लॉकडाउन की एक वीडियो बनाई जो हज़ारों लोगों ने देखी, और उसमें कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि जनाब आपने सिर्फ जदून की वीडियो दिखाई है लोगों को, जदून इज़ नॉट द होल ऑफ एबोटाबाद, तो एबोटाबाद का पूरा व्यू दिखाएं लोगों को, पता चले कि एबोटाबाद में इस वक्त क्या सिचुएशन है। सो दिस इज़ द सेकेंड वीक ऑफ एबोटाबाद लॉकडाउन, और आपको पता है कि एबोटाबाद में अब इसकी वजह से एक डेथ भी हो चुकी है, कोरोना के एक पेशेंट की डेथ लास्ट डे हुई है। तो उसके बाद एक हफ्ते के बाद अब एबोटाबाद की क्या सिचुएशन है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। राइट नाउ मैं खड़ा हुआ हूँ फवारा चौक में, ये एंट्री पॉइंट है एबोटाबाद का। यहाँ पे इस वक्त मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बसें खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर बस स्टॉप पे कोई अवेलेबल नहीं है, कोई लोग नहीं है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। और इसके अलावा इक्का दुक्का ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल रूटीन की चल रही है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि राइट नाउ फवारा चौक से लेकर काला पुल जो मानसहरा रोड के ऊपर समझ लें कि एबोटाबाद का एंड है, उसका पूरा एक ज़रा क्विकली आपको व्यू दिखाता हूँ रोड का कि इस वक्त रोड पे ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। ज़रा जल्दी से ये देखिए और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि एक महीना पहले यहाँ पे ट्रैफिक कितनी थी। मेरे पास लकीली वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तो दोनों का ज़रा कंपेरिजन कीजिएगा और देखिएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अब आपको दिखा रहा हूं कि एक महीना पहले यहां पर क्या सिचुएशन थी, यहां पर एबोटाबाद में ट्रैफिक की क्या सिचुएशन थी। ये मानसहरा एबोटाबाद रोड जो है ये ट्रैफिक से बिल्कुल खचाखच भरा होता है, यहां पे आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ जाता है, बाज़ का ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, इतनी ज़्यादा टफ सिचुएशन होती है यहां पर। तो एक महीना पहले क्या सिचुएशन थी ज़रा वो देखिए। सब्जी और फ्रूट की एक शॉप है, खुली हुई है। यहाँ पे लोग कितना खाते हैं जी सब्जी वगैरह लेने?
उनको 4,000 से 5,000 काम नहीं गया अभी। हाँ जी, 3,000-4,000 का काम होता है सारा दिन में। सारे दिन में? सारे दिन में। तो पहले कितना होता था? पहले 20,000 का, 25,000 का। अच्छा, अभी तो ऐसा था। अब बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। खर्चा हमारा बराबर नहीं है, किराया सर पे पड़ गया, दुकानें बंद कर दी है साथ में। अच्छा, पुलिस वालों ने बंद किए हैं दुकानें? पुलिस वाले, हमने खुद बंद किए, अवाम नहीं है ना, क्या करें। अवाम नहीं है, अवाम नहीं है। तो अवाम बहुत कम आती है। बहुत कम। तो जो लोग आपके पास आते हैं उन्होंने ये मास्क वगैरह लगाए होते हैं? ज्यादातर लगाए होते हैं। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैंट प्लाजा है, ये मोबाइल फोन्स की बड़ी मार्केट है। ये जरा थोड़ा सा टर्न कीजिएगा जी अंदर की तरफ, हम दिखा दें लोगों को कि ये बिल्कुल इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। ये बड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, ऑब्वियसली मोबाइल फोन्स की मार्केट है, बड़ी बड़ी यहाँ पे शॉप्स हैं, इसके अलावा दूसरी शॉप्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है इस वक्त, कोई भी दुकान यहाँ पे नहीं खुली हुई है। ये अब ये मेन बाज़ार में हम दाखिल हो गए हैं, ये मेन बाज़ार होता है और यहाँ पे आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलती, ये बिल्कुल खचाखच भरा होता है यहाँ पे इस वक्त, सिर्फ इक्का दुक्का, लेकिन लोग कुछ खड़े हुए हैं बाज़ार में ऑब्वियसली, लेकिन जो गुजर रहे हैं उन्होंने मास्क वगैरह भी आप देख रहे हैं पहने हुए हैं। तो मुझे तो अभी भी नज़र आ रहा है कि लोग एहतियात कर रहे हैं, जो अब ये है कि बिल्कुल गलियां सुनसान हो जाएं, कोई भी घर से बाहर ना निकले, तो ये तो मेरे ख्याल में हमारे जैसे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब्ज़ी और गोश्त वगैरह के लिए लोगों को निकलना पड़ता है। बिलीव यू मी, यहाँ पे बिल्कुल खड़ा होने की जो है वो जगह नहीं होती, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल दुकानें बंद हैं, बिल्कुल इक्का दुक्का जो शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे अभी भी गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ये यू कैन से दैट 3-4% है उस टोटल ट्रैफिक का जो आज से एक महीना पहले, डेढ़ महीना पहले यहाँ पे आप देख सकते थे। यहाँ पे आपको बिल्कुल गाड़ी के साथ गाड़ी लगी होती थी और यहाँ पे इवन बहुत मुश्किल था इस मेन बाजार के अंदर कि आप गाड़ी को लेकर इस तरह से आएं, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है, भीड़ होती है फुल। और यहाँ पे इस वक्त आप कह सकते हैं 2-3% भी नहीं है उसका जो इस वक्त आपको यहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। ये मोहल्ला नूरदीन का बोर्ड लगा हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे रोड मुड़ा है। तो ये इंटीरियर एबटाबाद है, एबटाबाद का अंदरून है। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आपने अंदरून एबटाबाद नहीं दिखाया, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अलबत्ता लोग गलियों में खड़े हुए हैं, घरों से बाहर निकल भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ने मास्क पहने हुए हैं। ये नहीं है कि बीच में कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी हैं कि जो बगैर मास्क के दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, आई वुड से 60-70% मिनिमम, अगर कम से कम भी मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो मैंने जो आज लोगों के यहाँ पे देखें 60-70% लोग जो हैं उन्होंने एहतियात की हुई है, उन्होंने एटलीस्ट मास्क ज़रूर पहने हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक, सादिक भाई आप किस वक्त मकसद के लिए आए हैं यहाँ पे? हमने इधर रेड़ी लगाया हुआ है फ्रूट का। अच्छा, फ्रूट का रेड़ी लगाया हुआ है, तो लोग आते हैं? कुछ आता है, पहले जैसा नहीं आता है। अच्छा, थोड़ा बहुत आ जाता है। तो आपने ये ग्लव्स भी पहने हुए हैं और मास्क भी पहना हुआ है, कारोबार आपका काफी ठंडा हो गया बहुत ज्यादा। कितने की सेल कर लेते हैं रोजाना? अभी 1500-2000 का करता था, अभी इस टाइम तो पहले जो है ना 6,000-7,000 रुपए का हो जाता था। आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? सांस बंद होती है, तो आपको पता है कि ये सांस खोलने से ज्यादा सांस बंद होती है, जिसको ये बीमारी होती है उसकी भी सांस ही बंद होती है। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, प्लीज़ ये मास्क पहनिए। यहाँ पे लोग आ रहे हैं सामान वगैरह लेने के लिए? बस ही थोड़े बहुत आ रहे हैं। कितने? थोड़े बहुत आ रहे हैं, इस तरह काम नहीं है, बंद है ना, तो सारा रोड ही बंद है। सारे रोड बंद है, तो जो लोग आ रहे हैं क्या उन्होंने मास्क वगैरह पहने होते हैं? काफ़ी ज़्यादा ने पहने होते हैं। तो आपकी अब कितना फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार पे? तकरीबन 75% 75% कम हो गया है। नॉर्मली आपकी कितनी सेल थी? तकरीबन 20,000 होती थी, अभी 5,000 होती। करीम चलाते हैं, उमैर जी। उमैर, अब इस पे लॉकडाउन पे आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ा है?
ہمارا یہی ہے کہ اسکول بند ہو گئے ہیں, کالجز وغیرہ بند ہو گئے ہیں, ہمیں زیادہ تر رائٹس جو یونیورسٹی وغیرہ کی ملتی تھی یا جو بچے وغیرہ اسکول جاتے ہیں ان کی مل جاتی تھی, سے کہ کام بہت زیادہ کم ہو گیا ہے, شاپس وغیرہ بند ہو گئے ہیں, جو لوگ ویسے جن کی پرائیویٹ بزنس وغیرہ ہے باہر کوئی نہیں جاتا, مطلب بہت کم جو ان کی ملتی بھی ہے, کوئی کریانے کے لیے کوئی اگر باہر نکلتا ہے اس کی ملتی ہیں, لیکن بیسیکلی یہ کہ کافی سارا کام بہت کم ہو گیا نا, پہلے کی اچھی ارننگ ہو جاتی تھی, ابھی جو ہے اتنا کوئی کتنا کتنا فرق پڑا ہے, پہلے کتنی ارننگ ہو رہی تھی, اور پہلے یہ تھا کہ پر ڈے کے حساب سے 2500-3000 یہ کہ پر ڈے کا بچ جاتا تھا, لیکن اب مشکل سے گیس کے پیسے پورے ہوتے ہیں, جتنے ہم فیول ڈالتے ہیں فیول کنزمپشن مشکل سے پورے ہوتے ہیں. یہ یہاں کا ایک مشہور گروسری اسٹور ہے بڑا, اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں, لیکن کوئی شارٹیج وغیرہ تو نہیں دکھائی دے رہی. دنیا میں کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو پینک بائنگ نظر آ رہی ہے اور پورے شیلفز جو ہیں وہ خالی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کمپلیٹ ساری چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور یہاں پر جو ان کا عملہ ہے اس نے بھی ماسک پہنے ہوئے ہیں. میں جب اندر داخل ہوا تو انہوں نے سینیٹائزر کے ساتھ ہاتھ صاف کروائیں اور پھر اندر آنے دیا, لیکن یہاں پہ بھی رش جو ہے وہ بہت کم ہے, اور جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ماسک وغیرہ پہنے ہوئے ہیں. جی بھائی, کتنا فرق پڑا ہے آپ کے یہاں پہ لوگوں کے آنے پہ؟ کافی فرق پڑا ہے. مطلب اگر پرسنٹیج میں ہم دیکھیں, پہلے 100% تھا تو اب کیا 25% ہے, کتنا فرق ہے؟ 50% ہے. اچھا, اتنا زیادہ نہیں ہے. لوگ زیادہ کیا چیزیں خرید رہے ہیں؟ سینیٹائزر, ڈیٹول, ڈیٹول سوپ, ساری یہی چیزیں نکل رہی ہیں. اچھا, ماسک وغیرہ بھی ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس نہیں ہوتا. اچھا, ماسک نہیں, تو زیادہ لوگ سینیٹائزر اور ڈیٹول وغیرہ لے رہے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں کیا لے رہے ہیں؟ کھانے پینے اور نارمل روٹین کی جو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی شارٹیج وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر, ان شاء اللہ نہیں ہے, ابھی تک کوئی شارٹیج نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ ریویو بہتر لگا ہے, صحیح لگا ہے, آنیسٹ لگا ہے, تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور پش دا بیل آئیکن, تاکہ آپ کو آنے والی میری جو اچھی اچھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک اس کے نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے. گھر سے صرف اسی وقت نکلیے جب آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہو, اور اپنے گھر پہ رہیے اور احتیاط کیجئے, کیونکہ احتیاط ہی اس کا علاج ہے. اس وقت اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ پورے پاکستان پہ, پوری دنیا پہ اپنا رحم فرمائے اور اس آفت سے انسانوں کو جلد سے جلد نجات دے. آمین.